कानपुर में शिवराजपुर रेलवे स्टेशन के पास रविवार रात कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन को पलटाने की साजिश की गई। रेलवे ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर और ज्वलनशील पदार्थ पाया गया। इसको लेकर सोमवार को दिनभर ETS आतंकवाद निरोधक दस्ता के IG नीलाब्जा चौधरी कमिश्नरेट पुलिस के साथ जांच करते रहे और फॉरेंसिक व डॉग स्क्वाड की टीमें साक्ष्य एकत्र करती रहीं। मामले में जिस प्रकार विस्फोटक पदार्थ मिला उससे आतंकी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। इसको देखते हुए NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी भी सक्रिय हो गई है और 5 सदस्यीय टीम कानपुर के लिए रवाना हो गई है। प्रयागराज से चलकर कानपुर सेंट्रल और अनवरगन स्टेशन होते हुए रविवार रात कालिंदी एक्सप्रेस भिवानी की ओर जा रही थी। शिवराजपुर रेलवे स्टेशन के पास चालक को रेलवे ट्रैक पर LPG गैस सिलेंडर रखा हुआ दिखा तो इमरजेंसी ब्रेक लगाया, जिससे ट्रेन धीमी तो हुई लेकिन तब तक इंजन का अगला हिस्सा गैस सिलेंडर से टकरा गया और दूर जा गिरा। इस पर चालक ने रेलवे अधिकारियों को सूचना दी और रेलवे अधिकारियों के साथ कमिश्नरेट पुलिस के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर हरीश चंद्र मौके पर पहुंचे। रेलवे ट्रैक पर एक झोला में बारूद, पेट्रोलियम बम और कई संदिग्ध वस्तुएं मिली। इस पर सोमवार को सुबह से ही ATS के IG नीलाब्जा चौधरी ने कानपुर में डेरा डाल दिया और कमिश्नरेट पुलिस के साथ हर बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। दिन भर फॉरेंसिक की टीम, डॉग स्क्वाड व अन्य सुरक्षा की एजेंसियां साक्ष्य एकत्र करती रहीं। कमिश्नरेट पुलिस घटनास्थल से सटे बिल्हौर के मकनपुर में हजरत बदीउद्दीन जिंदा शाह की मजार में आने वाले जमातियों पर नजर रख रही है। इसके साथ ही घटनास्थल के आसपास रहने वालों पर नजर है। घटनास्थल के आसपास उस समय सक्रिय मोबाइल नंबरों को भी ट्रेस किया जा रहा है। इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA भी सक्रिय हो गया है। NIA के अफसरों ने UP ATS से बातचीत कर पूरी जानकारी ली है। जल्द NIA की एक टीम कानपुर आकर मामले की जांच शुरू करेगी। बताया जा रहा है कि NIA की 5 सदस्यीय टीम कानपुर के लिए रवाना हो गई है। ATS के IG कानपुर पुलिस के अफसरों के साथ मीटिंग ले रहे हैं। पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए थाने बुलाया है। DCP राजेश कुमार सिंह ने बताया कि कई सुरक्षा एजेंसी अपने अपने स्तर पर जांच कर रही हैं और कमिश्नरेट पुलिस उनका सहयोग कर रही है। अभी कुछ नहीं, अभी हम लोग काम कर रहे हैं इस पे, अभी कोई क्लूज नहीं मिले हैं। अभी जो साक्ष्य मिले हैं उसको सिक्योर किया गया है, उसका परीक्षण भी होना है। बाकी संदिग्ध लोगों को उठा करके पूछताछ भी करेंगे, CCTV कैमरा दिखवा दे रहे हैं। जहाँ जहाँ भी गैस एजेंसी है वहाँ से हम ले रहे हैं फुटेज वगैरह, ये सिलेंडर कहाँ से बिका, कहाँ से गया, मिठाई की दुकान का रैपर आया है वो कैसे आया, कहाँ से आया, माचिस कहाँ का है, ये सारी बातों पर करके ही भी डिसीजन दिया जा सकता है। धन्यवाद। वो भी करेंगे, बाहर के लोग यहाँ पे, बाहर के चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई भी बाहर के लोग अगर आके रुके हुए हैं तो उसके बारे में भी हम लोग साजिश लग रही है अब तक क्या ये हम लोग अभी हम कुछ भी इस बारे में कहने में असमर्थ है, अभी कुछ भी नहीं कह पाएंगे। निश्चित तौर पर साजिश है, बड़ी साजिश है और इस तरह से सिलेंडर गैस पे रखना एक बहुत बड़ी शरारत की गई है और इसको हम लोग उसी रूप में ले रहे हैं और उसका हम लोग कोशिश कर रहे हैं शीघ्र ही अनावरण का। अभी तक कई लोगों को डिटेन किया गया, पूछताछ कर रही है, अभी इसका खुलासा अभी हम नहीं कर पाए।